हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नियाज और आप देख रहे हैं ओलंपिया टॉक्स। अभी कुछ टाइम से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में यही चल रहा था, कभी फ्लैक्स लुइस इंजर्ड हो जाते हैं तो कभी शॉन रोडेन ओलंपिया से बाहर हो जाते हैं। फिर बिग रैमी को कुछ टाइम पहले मिस्टर ओलंपिया के लिए स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया और फिर अभी क्यून पियर्सन ने मिस्टर ओलंपिया से अपना नाम वापस ले लिया और ऐसा लग रहा था कि हादी शुपन मिस्टर ओलंपिया में दिखेंगे कि नहीं। तो अभी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जैसा कि हम सबको उम्मीद थी कि मिस्टर ओलंपिया में हादी शुपन इस बार कम्पीट करेंगे और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि अब जाके फाइनली हादी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये न्यूज़ शेयर करी है और कंफर्म किया है कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने वाले हैं। तो ये गुड न्यूज़ है हादी के फैंस और मिस्टर ओलंपिया के प्रमोटर के लिए, क्योंकि जैसा कि लास्ट ईयर भी हादी के साथ वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ हुए थे और इससे पहले भी हादी को US विजिट करने के लिए क्लियरेंस नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हादी ईरान के सिटीज़न है और अभी कुछ टाइम से ईरान और US के रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से ईरान के सिटीज़न को US में एंट्री मिलना काफ़ी टफ हो गया है और वीज़ा रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज हो गए हैं। लेकिन लास्ट ईयर हैनी रैम्बॉर्ड और IRBB ने मिलकर हादी के वीज़ा को लेकर ऑफिशियल से रिक्वेस्ट करी थी और प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया गया था, जिस वजह से हादी का मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करना पॉसिबल हो पाया था। और लास्ट ईयर हादी का मिस्टर ओलंपिया में डेब्यू हुआ था और हादी मिस्टर ओलंपिया में लास्ट ईयर पीपल्स चैंप भी रहे थे। ठीक इसी तरह इस साल भी हादी का मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करना मुश्किल लग रहा था। इसके दो रीज़न हैं, पहला तो वीज़ा और दूसरा COVID-19, बिकॉज US में अभी भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। लेकिन हैनी रैम्बॉर्ड और IRBB की काफ़ी कोशिशों के बाद फाइनली हादी शुपन को US का वीज़ा मिल गया है और हादी मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए रेडी हैं। तो अब देखना होगा हादी की क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है मिस्टर ओलंपिया में इस साल। अब अगर हम दूसरी अपडेट की बात करें तो रीगन ग्राइम्स को लेके ये अपडेट। रीगन ने अपने रिसेंट पोस्ट में मल्टीपल वीडियोस पोस्ट किए हैं जिसमें रीगन काफ़ी कंडीशनड और इम्प्रेसिव लुक में दिख रहे हैं और रीगन करेंटली रोमानिया प्रो के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। वैसे रीगन ने इस साल मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन रीगन का मोटिव रोमानिया प्रो में कम्पीट करके 2021 के मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। तो अब देखना होगा रीगन कैसा परफॉर्म करते हैं रोमानिया प्रो में। वैसे लास्ट ईयर इस शो में रीगन थर्ड प्लेस पर आए थे। इस वीडियो में अगला अपडेट है जेम्स हॉलिंगशेड को लेके। जेम्स ने अभी रिसेंटली यूरोपा प्रो को जीत के मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन अभी करेंट पोस्ट में जेम्स ने जैसे कि मेंशन किया है कि वो 2 वीक आउट हैं अपने नेक्स्ट शो से और ये उनका शो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और ये शो में कम्पीट करने के लिए जेम्स का मोटिव यही है कि वो ये शो को जीत के 2021 के मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। वैसे जेम्स का ये डिसीजन इनकी करेंट फिजिक के हिसाब से ठीक है, क्योंकि जेम्स भी चाहेंगे कि ये शो को जीत के वो आराम से अपना पूरा साल बल्किंग फेस पर कॉन्सेंट्रेट करें और जिस तरह की जेम्स की फिजिक है पूरा चांस है कि जेम्स ये शो जीत सकते हैं। अगला अपडेट आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को लेके, जिसमें उनकी अभी रिसेंटली हार्ट सर्जरी हुई है, जिसमें आर्नोल्ड ने अपने रिसेंट पोस्ट में मेंशन किया है कि डॉक्टर्स ने उनको अभी नया एओर्टिक वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व लगाया है और आर्नोल्ड की सक्सेसफुल सर्जरी रही है और अब आर्नोल्ड पूरी तरीके से ठीक हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। वैसे इससे पहले आर्नोल्ड की ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है कई बार। तो बस यही था इस वीडियो में, बाकी आप लोग बताओ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मैं जो अपडेट देता हूँ आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।